नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नए और फ्रेश वीडियो में। वित्त मंत्रालय ने जारी किया लेटेस्ट आदेश कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस बड़ी खबर को विस्तार से कि वित्त मंत्रालय की तरफ से कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए क्या लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है। इससे पहले अगर चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से ये लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है 30 जून 2023 को। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं रिविजन ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2023 से लगाकर 30 सितंबर 2023 तक के लिए जो सभी स्मॉल सेविंग स्कीम हैं उनकी इंटरेस्ट रेट को लेकर ये ऑफिस मेमोरेंडम वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। जैसा कि इस टेबल में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट पर आपको मिलेगा 4% का इंटरेस्ट रेट। वहीं 1 साल टाइम डिपॉजिट से लेकर 5 साल टाइम डिपॉजिट तक के लिए आपको 6.9% से लेकर 7% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 8.2%। इसके अलावा मंथली इनकम अकाउंट स्कीम पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.4%। इसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.7%। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.1%। इसके अलावा किसान सेवा पात्र पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.5%। फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम पर आपको मिलेगा 8% का इंटरेस्ट रेट। तो ये थी सभी जो स्मॉल सेविंग स्कीम हैं उनकी जो 3 महीने की जो आपका ब्याज दर रहने वाला है उसकी पूरी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।